झारखंड के साहेबगंज जिले में लगातार ईडी की टीम 5 दिनों से अपनी दबिश बनाई हुई है। वहीं रांची स्थित ईडी की टीम लगातार सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान पंकज मिश्रा ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद ईडी की टीम पंकज मिश्रा के बयान के आधार पर अपनी जांच के दायरे को बढ़ाते दिख रही है। ज्ञात हो कि साहिबगंज जिले में पहुंची ईडी की टीम लगातार 5 दिनों से जिले के कई अवैध पत्थर खदानों की जांच कर मापी करने में जुटी है। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने अब तक करीब 45 करोड़ के स्टोन चिप्स को जब्त कर चुकी है, जिससे साहिबगंज जिले के पत्थर कारोबारियों का हाल पस्त होता दिख रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार को ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को साहिबगंज में आवंटित पत्थर खदान तक पहुंची। यह खदान साहिबगंज के मंडरो अंचल के पकड़िया मौजा में आवंटित की गई है। रांची से पहुंची ईडी की टीम ने यहां ड्रोन की मदद से खदानों का जायजा लिया, जिससे पहले टीम को यहां तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीते दिन ईडी की टीम ने सबसे पहले मंडरो अंचल के गिलामारी मौजा स्थित टिंकल भगत के खदान पर पहुंची और खदान की मापी के बाद उस खदान से सटे 2 अन्य खदान की भी मापी की गई। इसके बाद टीम दामिन भीटा मौजा स्थित पत्रु सिंह के पत्थर खदान पहुंची। यहां मापी करने के बाद टीम ने पत्रु सिंह के खदान से सटे अन्य 5 खदानों की भी जांच की और उसकी मापी की। ईडी की टीम ने सुंदर मौजा स्थित कन्हैया खुडानिया के खदान की भी मापी की। इस दौरान वन विभाग के इलाके से पहले से खोदे गए खदानों की भी मापी की। ईडी की टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से पत्थर व्यवसायी ट्विंकल भगत, पत्रु सिंह, राजेश जायसवाल, सीएम के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के खदानों का आकलन कर चुकी है। वहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि मिर्जा चौकी के लगभग खदानों में अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है, जो कि जिला प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और ईडी की तलाश लगातार अवैध खनन पर ही जारी है। सूत्रों की माने तो पत्थर व्यवसायियों का तार पंकज मिश्रा से सीधे जुड़ते हुए दिख रहा है, जिससे पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ईडी की टीम ने दामिन भीटा के एक बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन की जांच पड़ताल कर खनन पदाधिकारी विभूति कुमार से इसकी जानकारी भी मांगी है। इस दौरान टीम ने जांच स्थल पर बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन का पता भी लगाया है। ईडी की टीम ने जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार को जमकर डांट फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने अवैध पत्थर कारोबार की रोकथाम में कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की है। इलाके में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध पत्थर उत्खनन की जानकारी उन्होंने क्यों नहीं अब तक बड़े पदाधिकारियों को दी है। ईडी की टीम ने डीएमओ विभूति कुमार से अवध किशोर सिंह और पत्रु सिंह के खदान का 12 वर्षों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही झारखंड से बिहार जाने वाले पत्थर की माइंस चलान की भी मांग की है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम कुछ दिन और साहेबगंज में रहकर अवैध खनन को उजागर करने का कार्य करेगी। ले आइए, लिफ्ट हो गया सर, 60 फीट।